आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कवायद लगातार जारी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू का लिया जायजा। डिप्टी सीएम ने कहा, रीवा जैसी घटना फिर ना हो इसके लिए बनाई जाएगी व्यवस्था। तक पहुंचा है बीजे बीजे सबके बच्चों को निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन 45 फिट वर्टिकल गहराई पे एनडीआरएफ की टीम पहुंचने के बाद अब वो 10 फिट का हॉरिजॉन्टल खुदाई का काम शुरू किया उन्होंने, जिसमें से आधा हो गया है, आधा बचा है 5 फिट का। और स्टेटा थोड़ा हार्ड है, इसे ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे कम से कम लगेंगे। और एनडीआरएफ की टीम का अंदाज ये है कि 45 फीट जो हम अंदर जा रहे हैं, बच्चा उसके ऊपर ही होगा जाना, और वहाँ पहुँचने के बाद उस पॉइंट पर फिर वो वर्टिकल ऊपर जाएंगे और ईश्वर की यदि कृपा रहेगी तो हो सकता है कि बच्चा सुरक्षित हो जाए। सर, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसके पहले भी कई बार ये घटनाएं आ चुकी हैं। अब शासन क्या तय कर रहा है, इसके पहले भी निर्देश जारी हुए लेकिन वो जमीन पर नहीं दिखाई दिए। नहीं, अब इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और ये बहुत गंभीर और दुखद हृदय विदारक घटना हो गई है कि लोग वोट करते हैं और वोट के बाद उसको हल्का फुल्का भरते हैं, पूरी तरह से उसका काम कटा हुआ गेहूँ और वहीं से वो बच्चा अंदर चला गया। यदि ओपन गड्ढा होता तो एक बार आदमी दाएं बाएं से संभल भी सकता है। तो ये इसकी समीक्षा करके पंचायत वार, गाँव वार, इस प्रकार के कितने बोर हैं जो किए गए, जिसमें फिर पानी उपयोग नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया गया, क्या उसका रिक्लेमेशन प्रॉपर। लेकिन अभी तो सबका फोकस इस बच्चे को सुरक्षित बचाने का है, जिसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। कैसे देखते हैं पूरा घटनाक्रम, जो बोरवेल में बच्चा गिरा उसके बाद जो भी घटनाक्रम चल रहा है? अब देखिए, घटनाक्रम की जानकारी मुझे भी कल रात में हुई, मैं प्रचार में थी तो मुझे 11 बजे करीब पता चला। तो आज मेरा यहाँ का वैसे कार्यक्रम तो मुझे आना ही था, मैं सुबह इसीलिए जल्दी निकल के आई हूँ। थोड़ा सा पहुँचे, अब यहाँ आने के बाद स्थिति पता चली है कि कलेक्टर मैडम लगी हुई हैं, अच्छा है काम उनका, वो अपनी तरफ से बेचारी लगी हैं। देखिए, भगवान कृपा है, कोई चमत्कार हो जाए और बच्चा बाहर आ जाए, हम सब तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बोरवेल में गिरा वो खुला रहना, उसके बाद घटनाक्रम में एनडीआरएफ का आना, थोड़ा लेट आना, पूरा 15 घंटे से ये सब घटनाक्रम चल रहा, 18 घंटे हो गए, किसकी चूक मानती, प्रशासनिक चूक या फिर बोरवेल का खुला रहना उधर पे चूक, क्या कहना चाहेंगे आप? बोरवेल का खुला रहना चूक है, क्योंकि अब ये तो देखिए कि शासन का नियम भी हो गया, अब बन गया है कि भाई कहीं भी बोरवेल हो तो उसको ढक दें, खुला नहीं रहना चाहिए। अब खुला था यहाँ, ये पता चल रहा है, अब जो भी कारण हो तो अब उसमें हो गया। प्रशासन भी थोड़ा सा देर से आया है, पर हो गया, अपने काम में लगा है, कर रहा है अपना काम, अब देखिए क्या है आगे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।